तो अगर मैं पूरा सब कुछ कैलकुलेट करूं जो हमें घर बनवाना है यहाँ पर, तो सब कुछ मिला के अराउंड आई थिंक 3-3.5 करोड़ रुपए लगेंगे पूरा घर तैयार करने में, जो मेरी आई थिंक अपनी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। व्हाट्स अप गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि आजकल ट्रैवल वीडियो क्यों नहीं आ रही, तो आई थिंक मैंने अपनी 2-3 वीडियो पहले बताया था कि मैंने अपना पासपोर्ट दिया हुआ है यूके का वीज़ा लगने के लिए, एंड अभी तक मेरा पासपोर्ट नहीं आया। अराउंड 20 दिन हो गए हैं, इस वजह से मैं कहीं भी ट्रैवल नहीं कर पा रहा। मेरी आइसलैंड की ट्रिप प्लान थी पूरी एक हफ्ते की रोड ट्रिप, वो मेरी कैंसिल हो गई, एंड अब मुझे नेक्स्ट वीक जर्मनी जाना है कोलोन मेरे एक दोस्त से मिलने, क्योंकि मेरा एक दोस्त बिल्कुल अभी जर्मनी आया पढ़ने, तो मुझे वहाँ जाके सीरीज़ बनानी है। तो होपफुली उससे पहले यूके का वीज़ा आ जाएगा एंड मैं उसके बाद लंदन भी जा पाऊँगा। बट तब तक मैंने सोचा थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल वीडियोज़ बनाते हैं यहीं पर, क्योंकि बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं कि मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, तो मैं डेली व्लॉग तो नहीं बनाऊँगा बट फिर भी थोड़ी बहुत मैं बीच बीच में ऐसी लाइफस्टाइल वीडियोज़ बनाता रहूँगा जब भी मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा। एंड आपने आज के टाइटल एंड थंबनेल से तो देख लिया होगा कि किस बारे में वीडियो होने वाली है। तो पिछले एक महीने से मैं और विनोनिका यहाँ रिसर्च कर रहे थे एंड घर वगैरह देख रहे थे फाइनली यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए रियल एस्टेट में। तो रिसेंटली हमने डिसाइड किया है यहाँ पर एक लैंड लेने का जिस पे हम अपना पूरा घर फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करेंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आपको लैंड दिखा के लाता हूँ जो हम सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने की। मोस्ट प्रोबेबली इसी महीने हमें वो पेमेंट वगैरह पेपर वर्क करके फाइनलाइज करनी है। तो आज मैं आपको यहाँ की थोड़ी बहुत रियल एस्टेट दिखा के लाता हूँ कि क्या सीन है यहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, अगर आप एज एन इंडियन इन्वेस्ट करना चाहते हो तो प्राइसेस क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के व्लॉग में। तो लैंड दिखा के लाने से पहले एक बार मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है, पहले पार्सल कलेक्ट करने है। मेरा एक पार्सल है पोस्ट ऑफिस में, चांसेस हैं कि मेरा पासपोर्ट भी हो सकता है। अगर पासपोर्ट आ गया तो मैं कल ही लंदन के लिए चले जाऊंगा एंड पूरी एक लंदन की सीरीज़ बनाऊंगा। बट एम्बेसी में उन्होंने मुझे बोला था कि एक महीना तक लग सकता है वीज़ा के लिए, आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है यूके वीज़ा के लिए। मैं पहले 2 बार लगवा चुका हूँ एंड दोनों बार मेरा पासपोर्ट अराउंड 10-11 दिन में आ गया था, यहाँ पर ऑलरेडी 21 दिन हो गए हैं। यहाँ पोलैंड में पोस्ट ऑफिस को कहते हैं पोच्ता पोल्स्का। तो पासपोर्ट तो नहीं था अनफॉर्चुनेटली, मैंने अपने फ़ोन के लिए ट्रांसपेरेंट केस मंगाया था, वो आया है पार्सल में। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस वीक या फिर नेक्स्ट वीक तक मैक्सिमम आ जाना चाहिए पासपोर्ट, एंड उसके बाद तो सारे सिनेमैटिक ट्रैवल व्लॉग ही आएंगे। एंड तब तक भी मैं इंटरेस्टिंग कंटेंट डालूंगा, क्योंकि मैंने रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे एक पोल डाला था कि मैं सिर्फ सिनेमैटिक ट्रैवल व्लॉग बनाऊँ या फिर डेली व्लॉग भी बनाऊँ। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मैं डेली व्लॉग्स भी बनाऊं, बट काफ़ी सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उनके कमेंट आए कि अगर मैं डेली व्लॉग बनाऊंगा तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। तो ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर मैं बीच बीच में डेली व्लॉग्स एंड लाइफ स्टाइल व्लॉग्स बनाऊँगा भी, तो भी सिनेमैटिक जो मेरे ट्रैवल व्लॉग्स हैं, जो मेरा स्टाइल है, उसकी क्वालिटी गिरेगी नहीं अभी मुझे फ्यूचर में, बल्कि क्वालिटी और बढ़ानी ही है। तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लो। बीच बीच में मैं डेली स्टाइल वीडियोज़ भी बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें भी इंटरेस्ट आता है। तो दोनों टाइप की वीडियोज़ आएंगी चैनल पर। एंड अब मैं आपको फाइनली दिखा के लाता हूँ लैंड जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मेरी पर्सनल अचीवमेंट्स हैं ये मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट्स गो एंड लेट मी शो यू माई बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट टिल नाउ। तो ये है वो जगह जहाँ मैं सोच रहा हूँ लैंड लेने की। जो मेन सिटी है यहाँ की व्रॉत्सवा, उससे अराउंड 20 मिनट दूर है। मुझे सबर्ब्स में इसलिए लेनी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पीसफुल है यहाँ पर सिटी में, वरना इतना ज़्यादा शोर शराबा होता है। तो ये जो आप पूरी मेरे पीछे लैंड देख रहे हो, ये लाइन में 7 लैंड है, 1300 मीटर की एक लैंड है, उसमें से हमने एक लिया है। मतलब अभी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होनी है बट फाइनलाइज़ मैंने कर लिया है। तो इस एरिया में 1300 मीटर ऐसे रेक्टेंगुलर लैंड है जहाँ पर अब हमें 1.5 साल के अंदर अपना पूरा घर बिल्ड करना है। एंड ये 1300 मीटर लैंड मुझे पड़ी 50 लाख रुपए की। यहाँ पोलैंड में लैंड के प्राइसेस सस्ते होते हैं बट घर बनवाना बहुत महंगा होता है। तो अगर मैं पूरा सब कुछ कैलकुलेट करूँ जो हमें घर बनवाना है यहाँ पर, तो सब कुछ मिला के अराउंड आई थिंक 3-3.5 करोड़ रुपये लगेंगे
पूरा घर तैयार करने में, जो मेरी आई थिंक अपनी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको और अच्छे से लैंड दिखाता हूँ। यहाँ पे ड्रोन उड़ाते हैं, मैंने खुद ड्रोन से नहीं देखी है कि ऊपर से कैसी लगती है। तो यहाँ पोलैंड में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का ये सीन है कि कोई भी फॉरेन नेशनल इन्वेस्ट कर सकता है। मेरे पास तो रेजिडेंस कार्ड है तो मुझे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप के पास यहाँ का रेजिडेंस नहीं भी है और आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो यहाँ पर किसी टाइप की प्रॉपर्टी में, तो आप कर सकते हो। एंड आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट आप 1.5 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आप यहाँ की PR भी अप्लाई कर सकते हो। मैं 100% श्योर नहीं हूँ। मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ा था तब तो यही रूल थे कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे यहाँ की PR लेनी है तो या तो आप बिज़नेस में अपना टर्नओवर दिखा सकते हो 1.5 करोड़ से ज़्यादा का, या फिर आपको 1.5 करोड़ से ज़्यादा किसी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। यहाँ गाड़ी में मैंने ये Insta360 लगाया हुआ है ताकि गाड़ी चलाते हुए रिकॉर्ड ना करना पड़े, ये पूरा 360 रिकॉर्ड करता है गाड़ी में। सो गाइज, ये वो लैंड जो हम खरीद रहे हैं अपना घर बनाने के लिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 हफ्ते में सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। फिर यहाँ पर ये दिक्कत होती है कि आप सर्दियों में घर बिल्डिंग नहीं स्टार्ट कर सकते, तो मार्च में हम अपना घर बनाना स्टार्ट करेंगे एंड 1.5 साल तक लगेगा। तो पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा घर बनाने का। उसमें मेरा प्लान है एक प्रॉपर स्टूडियो बनाने का यूट्यूब के लिए, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ आगे व्लॉग्स में शेयर करूंगा। एंड अभी वापस मुझे एक बार वेरोनिका को पिकअप करने जाना है। फिर आज हमारा इंडियन डिनर का प्लान है। जब से इंडिया से वापस आया हूँ एक भी दिन मैंने इंडियन खाना नहीं बनाया यहाँ पर, ना ही हम इंडियन खाने गए। तो आज बड़े दिनों बाद एक इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया इंडियन रेस्टोरेंट है। एंड ये जो एरिया है ये सिटी का सबर्ब्स है, जो सिटी के चारों तरफ एरिया होता है। यहाँ पर रियल एस्टेट कंपैरेटिवली चीपर होती है। यही अगर मैं इतनी बड़ी लैंड सिटी के सेंटर में लेता तो एटलीस्ट 4 गुना ज़्यादा महंगी पड़ती, एंड सेंटर में आई थिंक उतना मज़ा भी नहीं है क्योंकि आप अपना प्रॉपर बैकयार्ड वगैरह नहीं बना सकते। यहाँ तो ये इतनी बड़ी लैंड है कि मैं मतलब प्रॉपर मेंशन बनाने के बाद भी इतनी सारी स्पेस होगी पीछे बैकयार्ड की जहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वरना हम अपार्टमेंट भी ले सकते थे सिटी के सेंटर में, अराउंड 3-1 करोड़ का बहुत बढ़िया अपार्टमेंट आ जाता है, बट अपार्टमेंट का वो मज़ा नहीं है जो घर का है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये सारी चीज़ें शेयर करूँ। एंड अब वेरोनिका को पिकअप करने चलते हैं एंड देन मैं आपको इंडियन खाना दिखाता हूँ यहाँ पे। इस एरिया में जो ऑलरेडी घर बने हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो यहाँ लोगों ने अपने घर बिल्कुल ये पेड़ों से कवर करे हुए होते हैं, तो ये घर तो बहुत पुराने बने हुए हैं, हमें बिल्कुल नए स्टाइल में बनाना है। आई थिंक ये तो 20-30 साल पुराने घर हैं जो उस टाइम पे बनते थे, बट बहुत ही पीसफुल एरिया है ये। Hello. It's cold outside? A little bit. Oh my god, you look so different. Maybe a little bit. How do you think people will respond? I don't know. So agar aap Veronica ko Instagram pe follow karte ho to aapko pata hi hoga. Veronica totally changed her hairstyle. So now you're totally blonde. You're a blondie. Yes, that's right. Are you craving Indian food? Yes. Okay, let's go to Thali. It's been such a long time. Okay, यहाँ व्रॉडसो में अराउंड 15-20 इंडियन रेस्टोरेंट है। एंड जब मैं सबसे पहली बार आया था 2017 में, सिर्फ 3-4 साल पहले 2 रेस्टोरेंट थे यहाँ पर। एंड इवन दो इतने सारे रेस्टोरेंट हैं, मैं एक ही में जाता हूँ, उसका नाम है थाली। सबसे बढ़िया ऑथेंटिक इंडियन खाना वहीं मिलता है एंड वही सबसे पहला इंडियन रेस्टोरेंट भी था। तो मैं आपको वहाँ जाके यहाँ का इंडियन खाना दिखाता हूँ। एंड बाय द वे वेरोनिका, डू यू नो दैट आई वेंट टू द लैंड? Oh, that's awesome. Yeah, Did you fly the drone there? Yeah, you wanted me to fly the drone from such a long time there. So I was looking at the land from the top and everything, and I finally wanted to share it with everyone. So how did it look from this perspective? Looks pretty good. Like, it's a land right now, and it's like, you know, there are many lands together. Mm-hmm. So you cannot see, like, you know, the partition. Mm-hmm. But I think it's very good. Like, you know, you have a lot of trees nearby. And yeah, I think it will be amazing when we will finally start building the house. Yeah. It's so cold now, right? Yeah, it's getting more and more cold. I don't like it. बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि विंटर्स आ गई है यहाँ पे. And I'm glad we are going to India soon. Yeah, किस्मत अच्छी है कि हम दुबई एंड इंडिया जा रहे हैं, जहाँ बिल्कुल परफेक्ट वेदर होगा इस टाइम पे, क्योंकि यहाँ दिसंबर जनवरी में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ जाती है
Last year it was minus 15 or minus like something like that. Yeah, but yeah, now it's autumn. It's not that cold yet, but winters is crazy. Way too cold for me. तो मतलब अनबेरेबल होता है, इतनी ठंड होती है यहाँ पे. This is the restaurant. यहाँ पर इन्होंने बहुत ही बढ़िया एम्बियंस बनाया हुआ है. एंड ये है इनका मेन्यू. तो ये जो रेस्टोरेंट है थाली, इसकी सबसे पहली ब्रांच यहाँ पर खुली थी, यहाँ के स्टूडेंट्स एरिया में. सबसे अफोर्डेबल रेस्टोरेंट था यहाँ का. एंड वहाँ पर लोगों को खाना इतना ज़्यादा पसंद आया कि अब यहाँ पर पूरी सिटी में इनकी 5 ब्रांच है. सेंटर पर इन्होंने 2 खोली हुई है, एक के साथ एक. इतने ज़्यादा लोग आते हैं वीकेंड पर. तो खाना ऑर्डर करके आपको दिखाता हूँ. जो मेरी फेवरेट डिश है यहाँ पर वो है चिकन टिक्का मसाला. एंड इनका जलफ्रेज़ी भी बहुत अच्छा है. मुझे नहीं पता जलफ्रेज़ी इंडिया में कहाँ की डिश है, दिल्ली की तो नहीं है. तो कमेंट करके बताना कि जो चिकन जलफ्रेज़ी होता है ये इंडिया में कौन से पार्ट का है. मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे ये नहीं पता कि कहाँ की डिश है इंडिया की, क्योंकि दिल्ली में नहीं मिलता कहीं पर भी. सो वील हैव वन पनीर टिक्का मसाला. With garlic naan. So we'll probably pay extra for the garlic naan. Mm-hmm. And one dal makhni. One dal makhni with rice or naan. Butter naan. Mm-hmm. And would you like to drink something, Veronica? 2 Coke Zero. Yeah, that's pretty much it for now. You better tell me what are we eating because you ordered for us. Yeah, so I ordered paneer tikka masala. Mm-hmm. And dal makhni. Dal makhni is spicy, right? It's creamy and spicy. I like it. I didn't have it in a while. Yeah, and then butter naan and garlic naan. My favorite. Yeah, I knew. That's cool. It's been a while since you had Indian food. Yeah, I'm craving it, seriously. देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है खाना. You can't wait to dig in. Okay, let's eat. Poland is so affordable. We paid like 77 for like the two of us. I don't know if you are, you know, coming from India, if it's so affordable. But no, comparing to other European countries, it's super then it nice. Is. Then it is. Yeah. तो हमने 1500 पे किए दो जनों के लिए, जो यूरोप के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ही अफोर्डेबल है. वरना अगर आप किसी और कंट्री में जाओगे, इवन जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जैसे चेक रिपब्लिक में प्राग हो गया या फिर बुदापेस्ट जहां हम गए थे, वहां भी यहां से बहुत ज़्यादा थे प्राइसेस. तो पोलैंड में ये चीज़ अच्छी है कि आप इनकम भी अच्छी कमा सकते हो एंड प्राइसेस भी हर चीज़ के अफोर्डेबल हैं. नाउ आई हैव टू लूज दीज कैलोरीज इन द जिम, ऑल द दाल मखनी एंड द पनीर टिक्का मसाला. आई विल हैव माय किड्स कैट इन द मीन टाइम. रिसेंटली इतने सारे कमेंट आ रहे हैं वीडियोस पे कि मेरा वेट बढ़ गया है. पिछले एक साल में आई थिंक मेरा 15-16 किलो वेट बढ़ गया है. तो अब फाइनली मुझे वेट लूज़ करना पड़ेगा. लेट्स गो. यहाँ पर जिम बहुत ही अच्छे हैं. आज मैं आपको अपना जिम भी दिखाता हूँ, जिस जिम में मैं हमेशा से जा रहा हूँ यहाँ पे. बट पहले एक बार मुझे वेरोनिका को ड्रॉप करना है. अब तो सिटी में इतनी सारी इंडियन चीज़ें खुल गई हैं, इवन इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स भी हैं काफ़ी सारे. आई थिंक ये बिल्कुल नया नया खुला है, इंडिया फ्रेश. आई थिंक दिस इज़ ब्रांड न्यू वेरोनिका. Yeah, this one is. Bye. See you later. Bye, see you. तो जिस जिम में मैं जाता हूँ इसका नाम है मैकफिट. मैं आपको अंदर जाके पूरा जिम दिखाता हूँ. ये 24 घंटे खुला होता है, ये अच्छी बात है. तो मैं हमेशा रात को ही आता हूँ क्योंकि शाम को या फिर सुबह काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है. ये सारा यहाँ पर स्ट्रेचिंग एरिया है जहाँ पर आप वार्म अप एंड स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हो. मतलब यहाँ पर जिम्स में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं. यहाँ एंट्रेंस एरिया पर इन्होंने ये फोटो स्क्रीन लगाई होती है, आप यहाँ से अपने वर्कआउट्स वगैरह देख सकते हो. ये पूरा ऐप ट्रेनिंग के लिए है, सारी मशीन्स ऐप्स के लिए. एंड यहाँ पर सारी बाकी मशीन्स हैं. एंड जो मेन सारा वेट का सेक्शन है वो यहाँ पर है. ये सारा पूरा डंबल का सेक्शन है यहाँ पर. एंड ये पूरा एरिया है कैलिस्थेनिक्स वगैरह करने के लिए. एंड जिम के दो पार्ट है, नीचे सारा वेट ट्रेनिंग का एरिया है एंड ऊपर कार्डियो का. तो मैं आपको ऊपर का भी दिखा के लाता हूँ. बिल्कुल डिटेल में तो हर एक चीज़ नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत सारे लोग वर्कआउट कर रहे हैं एंड मैं किसी को फिल्म नहीं करना चाहता. तो ऊपर ये सारा कार्डियो सेक्शन है, ये सारे स्टेयर मास्टर्स, यहाँ पर सारी ट्रेडमिल है. एंड दूसरी साइड भी पूरा कार्डियो एंड स्ट्रेचिंग के लिए एरिया है. एंड ये भी पूरा ऊपर एब्स के लिए एरिया है.
अलग से, नीचे है सारा वेट ट्रेनिंग एरिया, मैंने आपको भी नीचे दिखाया था। एंड जिम में पूरा, इवन बाइसिकल स्टूडियो भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर कितने डिफरेंट जिम है। अगर मैं इंडिया से कंपेयर करूँ, वहाँ के जो सबसे बेस्ट जिम होते हैं वो भी इतने बड़े नहीं होते। ये पूरा बाइसिकल स्टूडियो है, यहाँ पे प्रॉपर लेसन होते हैं। एंड एक और सेपरेट एरिया है सारी कैटेबल वगैरह करने के लिए, थोड़े बहुत वेट्स एंड मैट्स वगैरह रखे हुए हैं यहाँ पे। तो मतलब आप जिम का साइज़ देखो, यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको जिम में नहीं मिलेगी। एंड मोस्टली सारे जिम ऐसे ही होते हैं। एंड गाइस अब बातें बहुत हो गई, अब जाके वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आई जस्ट फिनिश विद द वर्कआउट। मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड तो नहीं किया वर्कआउट, क्योंकि मुझे वर्कआउट पे फोकस करना था। एंड अगर रिकॉर्ड करता तो अच्छे से वर्कआउट नहीं हो पाता। बट एनीवेज अब मुझे फिर से काफ़ी ज़्यादा वेट कम करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग टोकने लग गए हैं। एंड उसके अलावा भी पिछले साल तक मैं बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि फिटनेस एक एंथुजियास्ट था। एंड उसके बाद कोविड की वजह से पूरा एक टच छूट गया जिम से एक साल तक। एंड आई रियली होप यू एंजॉयड दिस डेली काइंड ऑफ व्लॉग एज़ वेल, क्योंकि अभी अनफॉर्चुनेटली मैं चाह के भी ट्रैवल नहीं कर सकता। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक मेरा पासपोर्ट आ जाएगा, एंड उसके बाद तो ऑब्वियसली ट्रैवल व्लॉग्स आएंगे ही। तब तक बेयर विद मी एंड डू लेट मी नो इफ यू आर एंजॉइंग दिस काइंड ऑफ वीडियोज एज वेल, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग।